जैसा कि जेपीएससी 7-10 पीटी का रिवाइज एंसर शीट आ गया है और उस एंसर शीट में फर्स्ट पेपर में 9 प्रश्न और सेकंड पेपर में 2 प्रश्नों का बदलाव किया गया है। इसमें से आप 4 प्रश्न जो हैं उनके सभी ऑप्शन सही कर दिया है जेपीएससी वालों ने। अब यहां पे आपको देखना है कि कुल 11 प्रश्नों में बदलाव हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे 11 प्रश्नों के बदलाव से जिन बच्चों का कटअप था वो बदल जाएगा, क्योंकि 11 से समझ जाइए कि 22 नंबर का अंतर आ जाएगा और जिनमें 22 में 8 नंबर सभी को मिलेंगे तो ये 8 नंबर जो है ऊपर चढ़ जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड कटअप हमने अपने पहले वीडियो में दिए हैं फिर वहीं पर आकर पहुंच जाएगा, जिससे आसार लगाया जा रहा था कि कटअप नीचे गिरेगा तो वो अब कटअप नहीं गिरेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है वो देख लीजिए। और जो जो क्वेश्चन बदलाव किए गए हैं, फर्स्ट पेपर में जो 9 प्रश्न और सेकंड पेपर में 2 प्रश्न, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ डाल दिए हैं तो वो आप देख लीजिएगा। इससे अपने आंसर मिलाइए और मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने जो कटअप रखा है फिर से वहीं पर चला गया, क्योंकि ये बहुत लोगों ने 15 क्वेश्चन बदलाव की, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन की बात कही थी, लेकिन जो जेपीएससी आयोग द्वारा कुल 11 प्रश्न बदले गए हैं और ये फ्लिप करने से सभी को 22 नहीं, किसी का 4 बढ़ेगा, किसी का 4 तो सबको मिलेंगे, इसके अलावा 2-3 नंबर इधर उधर अंतर आएंगे, 2 से 4 नंबर का बदलाव होगा, किसी में 6 होगा, 22 का 22 बदलाव नहीं होंगे, इसलिए दोबारा आप मिलाएं। और जिनको वो कटअप मैंने दिया है वहां के आसपास आता है तो तैयारी में लग जाएं, और फिर आगे मेंस की तैयारी के लिए हम अपना वीडियो डाल रहे हैं। मेंस के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान दें, जिन लोगों का किसी कारणवश कटअप नहीं पार कर पा रहे हैं वो भी इसकी तैयारी अवश्य करें, मेंस पर ध्यान फोकस करें। पीटी दिसंबर में आने वाली है, 11th पीटी, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा कि अभी से लग जाएंगे मेंस में, तो वो निराश न हो। और इस चीज पर ध्यान दें कि 22 से बदलाव आ सकता है, लेकिन आगे जो कटअप दिया गया है उसी कटअप के इर्द गिर्द ही होगा। थैंक यू।